Hello viewers, welcome to all of you in my channel. सभी सब्सक्राइबरों का मेरा बहुत बहुत स्वागत और जो अभी नए नए आ रहे हैं उन सभी का भी मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. हम सब साथ मिलकर चलें, बस यही शुभकामना आपसे चाहती हूँ. आज मैं आप सबसे अपने गार्डन का वो चीज शेयर करने जा रही हूँ जो बिरले ही देखने को मिलते हैं, और ये है मेरे गार्डन का ये कंद, ये बल्ब जिसका यूज़ कई तरह के रेसिपीज़ में बनाने के लिए आते हैं, ख़ास करके स्वीट रेसिपीज़ में ये बहुत काम आते हैं. तो इसी के बारे में आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ. ये एक बल्ब है जो अदरक के आकार का होता है, और यह मिट्टी के नीचे ही तैयार होता है. और इसके पौधे के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ सभी जानकारियाँ शेयर की हुई हैं. अगर आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप उसे देख सकते हैं और उसके बारे में आप जान सकते हैं कि इसे कैसे लगाना है और कैसे इसे ग्रो करना है. हालांकि मैं इसके बारे में अभी भी आपसे थोड़ी सी जानकारी ज़रूर शेयर कर दूँगी, ताकि अगर आप इसे लगाना चाहें तो आप इजीली ग्रो कर सकें. तो ये देखिए, ये कंद, ये बल्ब इस तरह से तैयार होते हैं जो अदरक के समान होते हैं, और पौधे के मर जाने के बाद, सूख जाने के बाद ये अदरक या बल्ब जो भी है ये तैयार हो जाता है, और उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं. तो मैंने इसे अपने छोटे छोटे गमले में ही लगा के रखे थे, और अब ये तैयार है. और ये देखिए इसमें से कितनी सारी जड़ें निकली हुई हैं. तो इन जड़ों को हम हटा देंगे, और ये जो इसका मेन हिस्सा है इसे हम स्टोर करके रख लेंगे और इसे अपने रेसिपीज़ में डालेंगे. तो ये देखिए, इस तरीके से मिट्टी के नीचे ये बल्ब तैयार होते हैं जो अदरक के समान होते हैं बिल्कुल देखने में, या फिर कच्ची हल्दी की जैसे दिखती है. तो इसे हम इसी तरीके से अगर चाहे तो गमले के अंदर भी हम इसे उपजा सकते हैं, लगा सकते हैं. इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होती है, तो जब तक ये हरी भरी रहती है ये बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दिखती है. और इसके बाद जब इसकी पत्तियाँ सीज़न के बाद ख़त्म हो जाती हैं, पौधा ख़त्म हो जाता है, तो ये बल्ब जो है मिट्टी के अंदर रह जाता है. और अगर आप इसे इसके अंदर इसके कुछ हिस्से को छोड़ देते हैं तो दोबारा इसमें से फिर सीज़न आने पर पौधा बाहर अपने आप निकलकर आ जाता है और ग्रो करता है, और फिर दूसरी बार के लिए ये सारे बल्ब, ये सारे चीज़ें जो है वो तैयार हो जाती हैं. तो पहले जानते हैं कि ये है क्या चीज़. इसे बंगाल में या बंगालीज इसे आम आधा कहते हैं. ये जिंजर की तरह की एक वैरायटी है, और जो बिल्कुल आम की खुशबू देती है, कच्चे आम की केरी की तरह खुशबू होती है इसकी, और इसका टेस्ट भी जो है वो कच्चे आम की तरह ही होता है. तो इसे हम मीठी चटनी टमाटर के जो बनाते हैं उसमें डालते हैं, ताकि उसमें कच्चे आम का स्वाद भी हमें बेमौसम मिलते रहे. तो इसको हम इस तरीके से निकाल कर और फिर धोकर वापस इसे हम अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और ये काफ़ी दिनों तक चल सकता है. और इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको आप इस तरह से मिट्टी के नीचे वापस दबा दें तो ये वापस ग्रो करेंगे और इसमें से पौधे बाहर आ जाएंगे, और फिर इसकी नई तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी. और दूसरे बार के लिए आपके ये आम आधा मैंगो जिंजर जो है वो तैयार हो जाएंगे. तो अपने नाम के समान ही ये अदरक जो है वो मैंगो का टेस्ट देता है, और अदरक के शेप में ये हमें ज़मीन के नीचे से मिलती है. तो ये देखिए इसके कंद जो इसमें लगे हुए हैं, और ये कितने बड़े से हो चुके हैं. और इस तरह के मैंने कुछ पहले भी निकाल लिए हैं और उसे स्टोर करके रखा है,
तो मैंने सोचा थोड़े से जो और बचे हैं क्यों ना मैं वो आपके साथ भी शेयर करूं और आपको भी दिखाऊं कि इस चीज़ को आप कैसे बेमौसम आम के टेस्ट पे चेंज कर सकते हैं, आम का टेस्ट आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस जिंजर को अपने घर में अपने गमले में भी उपजा सकते हैं, जो बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं, आसानी से ये मिलते नहीं हैं। और मेरे ख्याल से शायद पश्चिम बंगाल में फिर भी मिल जाए तो बाहर स्टेट्स में ये बड़े कम मिलते हैं। तो आप इसे अपने छोटे से गमले में ही आप इसे उगा सकते हैं और आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं और कच्चे केरी की कच्चे आम के स्वाद को आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी मीठी चटनियों में या स्वीट रेसिपीज़ में डाल करके। तो ये मेरे कटे हुए मैंगो जिंजर, और ये देखिए मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखा है, और ये आम आदा बहुत अच्छे लगते हैं, आम अदरक। अगर आप इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में काट कर अपनी चटनी में या फिर अपनी स्वीट डिशेस में डालें, तो ये मैं आपको अपनी किचन में ले आई हूँ और आज मैं भी इससे अपने घर में एक मीठी चटनी टमाटर की बनाने वाली हूँ और उसमें मैं कच्चे आम का स्वाद लेने वाली हूँ। तो आप सभी फ्रेंड्स अपने गमले में इस तरीके से आम अदरक को उगा कर आम का स्वाद बेमौसम ले सकते हैं। और ये मैंने शुरू कर दी है टमाटर की चटनी को बनाने की तैयारी। और जिस तरह से हम सिंपल आम की चटनी बनाते हैं उसी तरह इन टुकड़ों को भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर आप इसे टमाटर की चटनी में डालकर बना सकते हैं। ये बड़े स्वादिष्ट बनते हैं और आपकी चटनी में ये कई गुना स्वाद को बढ़ा देते हैं। अगर आप कभी इसे आजमा सके तो ज़रूर आजमाइएगा, फिर आप मुझे कहिएगा कि वाकई में आपको आम का स्वाद मिला कि नहीं। तो इस तरह से इसे छील कर और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर हम टमाटर की चटनी में डालते हैं और इसमें हम आम का स्वाद बिल्कुल हर सीज़न में पा सकते हैं, बशर्ते कि आप इसे स्टोर कर अपने फ्रिज में अच्छे से रख लें। तो ये आपको कई कई महीनों महीनों तक इसी तरह आम का स्वाद। और ये मेरी मीठी चटनी टमाटर की बिल्कुल तैयार है, ठंडे होने के बाद मैं इसे सर्व कर सकती हूँ। और इस तरह आप भी अपने गमले में आम अदरक को उगा सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर।